अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबर पर एक नज़र। बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने को लेकर एहतजाज आज भी जारी रहा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर हटाने का मामला अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा। आज भी बेलगाम जिले के मुख्तलिफ शहरों में मल्लिकार्जुन गौड़ा पर कार्रवाई की मांग करते हुए बंद का ऐलान किया गया था। आज कागवाड़ में तमाम गाँव को बंद रखकर मल्लिकार्जुन गौड़ा को ओहदे से हटाने की मांग करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा पेश किया गया। दुकानों तिजारतों को बंद कर अपने गुस्से का इजहार किया गया। दलित मुस्लिम इदारों की जानिब से एहतजाजी जुलूस भी निकाला गया। इस वक्त जिम्मेदार संजय तलवाकर ने साफियों से कहा कि जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन मल्लिकार्जुन गौड़ा ने की है, इस पर एट्रोसिटी का मुकदमा चलाया जाए और ओहदे से नीचे उतारा जाए। इस वक्त गाँव के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। आज बेलगाम में अखिल भारत बौद्ध समाज की जानिब से मल्लिकार्जुन गौड़ा के खिलाफ एहतजाज कर इस पर कार्रवाई की मांग की गई। आगे कहा कि जिस तरह बाबा साहब की तस्वीर को हटाने की मांग जज मल्लिकार्जुन गौड़ा की जानिब से की गई, इसे संविधान रचयिता बाबा साहब की तौहीन हुई है और इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिहाजा इसे फौरी तौर पर नौकरी से हटाया जाए। इस ओहदे पर बैठने के काबिल वो शख्स नहीं है, ऐसा भी कहा गया। इस वक्त जिम्मेदार यल्लप्पा कांबड़े, शेखर शिंदे और दिगर जिम्मेदारान मौजूद। इसी तरह दिगर दलित तंजीमों की जानिब से एहतजाज किए गए, जिसमें सफाई मजदूर यूनियन की जानिब से भी मुतालबा पेश किया गया। इंगड़ी गांव में मल्लिकार्जुन गौड़ा के पुतले को नजर आतिश किया गया। लिहाजा कुल मिलाकर रायचूर के जज मल्लिकार्जुन गौड़ा के खिलाफ जबरदस्त गुस्से का मुजहरा आज भी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बेलगाम शहर में किया गया। अब एक और सियासी इत्तला यह भी हासिल हुई है कि कुछ कायद भाजपा से निकलकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करने वाले हैं, जिसमें सारे फहरिस्त नाम लक्ष्मण सऊदी और रमेश कत्ती का बताया जा रहा है। आखिर कर्नाटक में किस तरह का नाटक चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। कल तक जेडीएस के दरवाजे पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे थे और जेडीएस को मजबूती मिलने की बात कही जा रही थी। उधर सीएम इब्राहिम बिचारे बनकर कांग्रेस से निकल गए, अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कोई कांग्रेस से बुलावा आ जाए तो वो उस तरफ चला जाऊं, पर ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही। लिहाजा अब कांग्रेस के रबते में कई भाजपाई होने की इत्तला हासिल हुई है, क्योंकि भाजपा का भगवा एजेंडा कईयों को पसंद नहीं आ रहा। और वैसे भी भगवा एजेंडा हिंदू राष्ट्र वगैरह उत्तर भारत में ही नाकाम होता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक योगी आदित्यनाथ की कश्ती भगवा एजेंडे के साथ ही डूबती हुई नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। उधर गोदी मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता अपना सूर बदलते देखी जा रही है, अखिलेश की तारीफ करती नजर आ रही है। कल तक एग्जिट पोल के जरिए योगी आदित्यनाथ और मोदी को मुकम्मल अक्सरियत दिखाने वाले गोदी मीडिया अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते नजर आ रहे। लिहाजा एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस इख्तदार हासिल कर सकती है, क्या ऐसी तस्वीर नजर आ रही। भाजपा में आपसी इख्तलाफात भी उरूज पर है, सभी को वजारत की जरूरत है। डीके शिवकुमार ने बिसात तो बिछा रखी है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब सियासत की शतरंज में कौन किसको मात देता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब कोरोना का नाम लेना भी लोग पसंद करते नजर नहीं आ रहे। जो लोग वैक्सीन को आबे हयात और कोरोना को आलमी मर्ज और WHO के हिदायत को गोया आसमान से उतरा हुआ फैसला समझने वाले भी अब शक का इजहार करते दिखाई दे रहे। लिहाजा हुकूमतों को भी मालूम हो चुका है कि अब कोरोना के नाम पर ज्यादा आवाम को डराया नहीं जा सकता, लिहाजा तीसरी लहर काफी माइल्ड है, ऐसा कहकर अपनी इज्जत बचाती दिखाई दे रहा है, ऐसा कईयों का कहना है। हुकूमत कर्नाटक ने नाइट कर्फ्यू को भी हटाने का फैसला लिया है। वैसे भी रात को कहीं पर भी कर्फ्यू नजर नहीं आ रहा था। लोग तो कड़ाके की सर्दी से ही जल्दी घरों में जाकर बैठना पसंद कर रहे थे। आखिरकार वजीर आला बसवराज बोम्मई ने माहिरीन से मशवरा लेकर रात के कर्फ्यू को हटाने का फैसला लेने की बात कही गई। नए गाइडलाइन के मुताबिक 31 तारीख से तमाम कारोबार पहले की तरह जारी रहेंगे। रेलवे स्टेशन या फिर पड़ोसी रियासतों में दाखिल होने या फिर वहां से आने की भी सख्तियां हटाई जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले लाखों मरीज पॉजिटिव होने की बात कही जा रही थी और हुकूमतों ने अगर और भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज आएंगे तो लॉकडाउन या सख्त गाइडलाइन की हिदायत देना पड़ सकता है, ऐसा इशारा भी दिया था। लेकिन आवाम की मुखालफत और सियासी सरगर्मियां, चुनाव का माहौल देखते हुए तीसरी लहर को माइल्ड कहकर तमाम सख्तियों को हटाने का फैसला तकरीबन रियासतों की जानिब से लिया गया है। बेलगाम भाजपा ने जारकीहोली भाइयों पर कार्रवाई की मांग की है, इसी तलाश में हाल ही में MLC इंतखाबात में भालचंद जारकीहोली और रमेश जारकीहोली ने भाजपा उम्मीदवार महंतेश कवड़की मठ को हराने का काम किया है, लिहाजा इन पर पार्टी की जानिब से कार्रवाई की जाए, ऐसा मुतालबा वजीर आला बसवराज बोम्मई को किया गया, जिसमें खासकर दुर्योधन आयोले, P. राजू, इरन्ना कड़ाडी,
एमएलए बेलगाम अभय पाटिल, महादेव अप्पा यादवाड़ और महंतेश कवड़गे मठ मौजूद होने की बात कही जा रही, क्या वाकई इन पर कार्रवाई होगी या फिर इन्हें वजारत दी जाएगी, ऐसा भी सवाल किया जा रहा है। फिलहाल नौजवान लड़का लड़कियों को फोटो शूट का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। कहीं पर भी कहीं भी खड़े होकर फोटो शूट करते नौजवान लड़का लड़कियों को देखा जा सकता है। लिहाजा इसी तरह फोटो शूट के चक्कर में अपनी जान गंवाने की नौबत आदित्य करडी उम्र 19 को अपनी जान गंवानी पड़ी। तला के मुताबिक एक लड़की की तस्वीर खींचने के लिए कनबरगी के सड़क पर खड़ा था, तेज रफ्तार कार ने आदित्य को ठोकर मार दी, जिसमें उसकी जगह पर ही मौत हो गई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।